टेक्सास में थी। मैंने मिलिट्री ज्वाइन की, एक दिन ही हुआ था, साइन किया था पेपर। तो वहाँ पिकनिक रखी थी सभी डॉक्टर्स की, बड़े लेक ऊपर। तो हम सब पिकनिक में मजा कर रहे थे, पीछे में खड़ी थी किनारे पर सरोवर के, तो एक बड़ी बोट आई, बहुत फास्ट चली, तो बहुत बड़ा मोजा आया, तो वो मोजा से मैं पानी में खिसक गई एकदम सरोवर के तल पर। तुरंत मुझे जरा भी डर नहीं, कोई भी चिंता नहीं, कोई भी फिक्र नहीं, कोई भी घबराहट नहीं, एकदम शांत मैं निकल गई। शरीर नीचे था, मैं ऊपर आ गई सरोवर के ऊपर। ऊपर आया तो मुझे एकदम लगा मैं एकदम फ्रीडम, मुझे आजादी मिल गई, मुझे बहुत बहुत मजा आया। पीछे मैंने दूर देखा तो मैंने एक शिप देखा, जो सागर में होता है ना छिपले, तो मैंने एक बड़ा सुंदर शिप देखा। तो मैं ये देख रही थी, तो मैंने एक साथ साथ में सरोवर में मैंने एक 2 साल का लड़का नीचे डूब रहा था। तो मैं तो मेरे शरीर के बारे में सोचा भी नहीं कि शरीर का क्या हाल है, क्या होने वाला है, मैं तो मौज मजा में थी। पीछे मैंने सोचा कि ये लड़का को बचाना पड़ेगा, इसलिए पीछे मुझे मेरा शरीर याद आया। तो मैं शरीर में जाने के लिए क्या करूं, तो मैंने एक बहन थी उसको बोला, वो स्विमिंग कर रही थी, मैंने बोला मुझे निकालो शरीर को, तो उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे निकाला। पीछे सब डॉक्टर्स इकट्ठे हो गए, मुझे पूछने लगे आपको ठीक हो, पीछे मारा थोड़ा पीठ में तो पानी निकल गया मुंह से। पीछे मैं शांत होकर बैठ गई, मुझे ये अनुभव का मैं सोचने लगी ये क्यों हुआ मुझे। पीछे मैंने एक हमारा डॉक्टर था उसको बोला, मैं उसको अच्छी तरह से पहचानती नहीं थी बिकॉज हम सभी नए थे, तो मैंने उसको मेरा अनुभव सुनाया कि जब मैं बाहर थी तो मैंने जब बच्चा को देखा तो मैंने सोचा अभी मुझे शरीर में जाना पड़ेगा, ये बच्चा को बचाना पड़ेगा। तो मैं बाहर निकली तो एक दूसरा आदमी था, उसने मैंने बोला कि वहां दूर एक बच्चा सरोवर के नीचे है, आप उसको बचा, वो डूब रहा है, तो उसको बचा लिया वो आदमी ने। मैंने बोला आप मेरे साथ चलेंगे, मैंने एक दूर एक बहुत सुंदर शिप देखा था, शिपला बोलते हैं ना दरिया में समुद्र में होते किनारे पर, ये तो सरोवर था। मैंने बोला अब आप मेरे साथ चलेंगे, तो बोला हम दोनों जाएंगे। तो हम चलने लगे, 1 किलोमीटर से दूर था, तो जब मैं गई तो वहाँ बहुत घास था, थोड़ी झाड़ी थी, तो मैंने देखा तो मुझे वो शिपला मिल गया। मैंने हाथ में लिया, वो डॉक्टर को बताया, देखो मैं जब बाहर थी ना वो सरोवर के, जब मेरा शरीर अंदर था तो मैंने ये देखा। तो ये बोला ये तो अजब बात है, ये कैसे हो सकता है। मैंने बोला देखो ये है ना।